इस वीडियो में बिहार फायरमैन के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ करंट के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है हिंदी का, विवाहों के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाहों के दो भेद होते हैं। अगला है अनु उपसर्ग का अर्थ है, तो किसका अर्थ होता है? ऑप्शन बी पीछे। तत्सम शब्द का चयन करना है, चार ऑप्शन है, तो इसमें से जो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी गैरिक हो जाएगा। अगला है दीप का पर्यायवाची नहीं है, तो दीप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी दीपा, लेकिन दीपक, प्रदीप और ज्योति स्तंभ आपके दीप के पर्यायवाची हैं। अगला है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिधन उपकार, ये है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही वाला बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई, लेकिन ए बी सी ये आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अगला है शीत का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो शीत का विलोम होता है ऑप्शन डी उष्ण। अगला है जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के खालिस्तान भेद हैं, तो कितने भेद हैं? ऑप्शन सी दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूर्ख होना निम्न में से किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन बी अक्ल का दुश्मन होना। अगला है कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी ऋग्वेद है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी बांसुकी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा। अगला है योग के आविष्कारक थे, तो कौन थे? ऑप्शन सी पतंजलि। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर है कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन सी मदुरई में स्थित है। अगला है आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट क्या थे? ऑप्शन बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं ऑप्शन सी जयदेव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि की जाती है ऑप्शन ए पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र में अपनी आजीविका प्राप्त करती है? तो ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 एक सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011। कोहरा बादल कुहासा खालिस्तान के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन ए एरोसोल के।
भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी, सी आर दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन बी, जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो ऑप्शन ए, बीजी तिलक। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, पूना समझौता या पूना पैक्ट। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, देहरादून। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो ऑप्शन डी, झारखंड में। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन सी, 1956। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ऑप्शन सी, बी एन राव। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन सी, 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो गाइज, ऑप्शन सी, 42वें। भारत में संसद के दोनों सदनों को की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो गाइज, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो ऑप्शन बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो ऑप्शन सी, न्यूटन। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन सी, ई एम फास्टर। आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने? तो ऑप्शन ए, एम एस धोनी, जो कि थे चेन्नई सुपर किंग। गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, होमी जे भाभा। भाप के इंजन का आविष्कार जो है वो गाइस किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन बी, जेम्स बॉट ने। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, हीलियम। लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से किस फसल में
लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए जामुन। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? तो ऑप्शन सी छाल। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो ऑप्शन सी संतरा। अगला है एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का कारण होता है ऑप्शन सी वायरस। रतौंधी की कमी के कारण होता है तो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन डी विटामिन ए। सिल्कोसिस है एक, तो सिल्कोसिस क्या है? ऑप्शन सी फेफड़े संबंधित बीमारी। क्वेश्चन है पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी वायरस या विषाणु। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी जीव मंडल रिजर्व। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिवहन। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भाप में गुप्त ताप होता है। अगला है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ऑप्शन बी निम्न दाब और उच्च ताप। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो ऑप्शन सी अल्कोहल। और निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए अल्कोहल थर्मामीटर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए तापमान पर। अगला है गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हीलियम और नियोन। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी अस्थि। के अगला क्वेश्चन जो बनता है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लूओरीन। एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियंस को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी बंधन ऊर्जा कहते हैं। खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है गाइस? तो ये होता है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तंतु आहार में शामिल है, तो तंतु आहार में क्या शामिल है? ऑप्शन सी सेलुलोज। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी तेल में असंतृप्ति। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ऑप्शन बी प्रोटीनों का होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड परीक्षण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।